तो जी भाई अभी हम है भैया ताल पर और यहाँ पे दिखे भाई एक भैया जो खिलाते हैं भाई स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना। और यहाँ पे लोग देखिए आए हैं और खाना खा रहे हैं और यहाँ पे एक दीदी है हमारी जो बना रही है बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म खाना। हेलो भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया, क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम सुनील है। सुनील। अच्छा, कहाँ से हो भैया? भैया मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से? जम्मू से। भाई ग्वालियर में क्या कर रहे हो भैया? ऐसे बस। तो क्या खिला रहे हो भैया? भैया राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, चावल छोले हैं और सब्जी पूड़ी भी है और रोटी की थाली भी है। जी भैया कढ़ी। अच्छा कढ़ी पकौड़े वाली? पकौड़े वाली कढ़ी जी भैया। और ये क्या आइटम भैया? ये आलू है भैया। आलू की सब्जी? आलू की सब्जी है। ठीक है, टमाटर वगैरह भी डाल? हाँ टमाटर वगैरह। ओके जी। आगे भैया राजमा। ये राजमा है? ये राजमा बिल्कुल गाढ़े गाढ़े राजमा है। ये छोले हैं भैया? अच्छा ये छोले हैं? ये छोले हैं भैया। और क्या होता है भैया? हाँ एक भैया सूखी सब्जी भी है। अच्छा ये थाली के संग में देते हम? अच्छा ये मिक्स वेज? हाँ मिक्स वेज है। ये जो थाली देते हो आप पूरी वाली, उसमें क्या क्या देते हैं भैया? चावल रहते हैं, पांच रोटी रहती है, दो सब्जी रहती है, पर आप कोई सी भी ले लो। कोई सी भी? दो सब्जियां? एक सूखी देंगे, एक दूसरी सब्जी। अगर सूखी नहीं भी लेना चाहता है कोई दूसरी और भी बढ़ा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसमें रायता भी आता है, चटनी। रायता भी आपके पास? रायता दिखाएंगे? रायता भी है। देखिए भैया अच्छा रायता इसमें रख रखा है? हाँ भैया क्योंकि ताकि ठंडा रहे। तो रायता पूरी सब्जी में और सब में देते हो? हाँ इसमें भैया चावल है। अच्छा तो चावल थाली में नहीं आता होगा, अलग से रहता होगा? नहीं नहीं चावल थाली में ही। थाली में चावल भी है? हाँ। तो भैया रेट क्या होता है? भैया साठ रुपए। साठ रुपए? साठ। गर्मा गर्म पूड़ियाँ दीदी ने निकाल दी है और काफी खस्ता टाइप की पूड़िया है ये। पूड़ी वगैरह जो खा लेगा ना तो वो जो कचौड़ी खाते है ना बाहर वो भूल जाएगा बंदा। तो भैया आपकी गर्मा गर्म पूड़ियाँ देख के तो यार मेरा पूड़ी खाने का ही मन कर रहा है। आप बोल भी रहे हो कचौड़ियाँ खाना भूल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो आप एक पूड़ी थाली लगाओ। और ये अभी सबसे पहले थाली देखिए भाई, काफी अच्छी क्वालिटी की है। साथ में आ गया प्याज जी, आगे मिर्ची जी, आगे चटनी। और ये आ गई भाई चटनी। ये आ गई एक सब्जी और एक लगवा लेते हैं भाई मिक्स वेज। ये आ गया मिक्स वेज। तो सब्जी वगैरह तो दोबारा ले सकते हैं आदमी? बिल्कुल बिल्कुल भैया सब्जी ले सकते हैं जी। और क्या इसके साथ छोले खिलाओगे? साथ में आ गया हमारा छोले की सब्जी। लहसुन हम नहीं खाते। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। और ये आ गए भैया चावल। और भैया ये आ गई हमारी पूड़िया। और ये आगे भाई रायता। तो एक और बात बताइए, ये थाली है 60 रुपए की? 60। और 30 रुपए वाली थाली में क्या होता है? 30 रुपए में भैया पांच पूड़ी आएगी, चटनी सलाद रायता भैया, और ये सब्जी आएगी। एक सब्जी आएगी, कोई सी भी ले लो। लड्डू गोपाल पूरी सेंटर वाले भाई की हमने ये लगवा ली है पूड़ी वाली थाली। भाई हमें इसमें मिली है छह पूड़िया है, छोले की सब्जी ली है, साथ में हमने मिक्स वेज लिया है, ये रायता है। और इस थाली का जो प्राइस है वो 60 रुपए है। सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं इनकी ये छोले वाली सब्जी। घर जैसी सब्जी है, साथ में ये मिक्स वेज बनी हुई है। मिक्स वेज का टेस्ट है वो भी अच्छा है। और भाई ये रायता है, रायता जरूर थोड़ा सा पतला सा लग रहा है मुझे, छाछ का बनाते हैं मठे का रायता लग रहा है, ये पतला जरूर है। लेकिन इसमें जो स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, मसाले ऐड किए हैं, उनका बहुत अच्छा फ्लेवर दिया है भाई, अच्छा लग रहा है। और साथ में भाई ये देखिए क्यूट क्यूट सी पूड़ियाँ, इनको भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करेंगे भाई मिक्स वेज के साथ में। इनकी जो पूड़ियाँ हैं ना वो बेलड़ी टाइप की हैं, पूड़ी से डिफरेंट हैं क्योंकि इसमें इन्होंने कसूरी मेथी ऐड किया है और साथ में इसमें रवा बेसन वगैरह भी यूज़ किया है। इनका जो टेस्ट आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आपको भी खानी है ये वाली थाली तो आप आ सकते हैं ग्वालियर में भैया ताल पर। और भैया सुबह 11 बजे आ जाते हैं और शाम को 5-6 बजे तक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को करते हैं अपनी संबंध, जैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।